विद्यार्थी मित्रों, आज के विज्ञान दसवीं के जो पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ, पूरा वीडियो लेकर आपके बीच फिर से उपस्थित होऊंगा। देखिए, सेट ए जो है उसके प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। क्रम से किस प्रकार है, Fe2O3 plus 2Al is equal to Al2O3 plus Fe, ये रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया है। अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है, सी वाला सही है इसका। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो जिंक की परत चढ़ाकर उस पर परत चढ़ाई जाती है। ब्यूटेनान चतुष्क कार्बन यौगिक है जिसमें प्रक्रियात्मक समूह आपका कीटोन है। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, यह क्रिया माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तो ये तो थे आपके सही विकल्प। अब चलते हैं रिक्त स्थान की ओर। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ब्लू। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्टमीटर कहते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है या बहुत बढ़ जाता है। सत्य असत्य की हम बात करें तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो ये प्रश्न हम पढ़ चुके थे कि प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो असत्य है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है, ये भी असत्य है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण, तो ये असत्य है ये भी। डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है, ये सत्य है। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्वन कहते हैं, सत्य है। और ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ये गलत है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ये भी असत्य है। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी की। तो संगमरमर इसका होगा CaCO3, सिरका एसिटिक अम्ल, ब्रोमीन द्रव अधातु, बेंजीन C6H6, और लिंग गुणसूत्र युग्म में आएगा आपका XY, और इंसुलिन होगा रक्त में शर्करा का नियमन। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर की बात करें, रक्तदाब किसे कहते हैं, तो रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवार पर जो दबाव डाला जाता है उसे रक्तदाब कहते हैं। पादप के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन्स का नाम। वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए, तो मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट हावर KWS लिखते पर। MRI क्या है, तो यह है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, MRI कहलाती है। तो ये थे आज के सारे ऑब्जेक्टिव।